मौसम विभाग की चेतावनी, बारिश और बर्फबारी के आसार, जाने कैसा रहने वाला है मौसम। मई का महीना शुरू हुए एक हफ्ता हो गया है, लेकिन गर्मी पड़ने वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। जहां अप्रैल के महीने में गर्मी का एहसास होने लगता है और मई के महीने में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार मौसम इससे बिल्कुल अलग है। मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है, उसने लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज यानी 7 मई को हल्की बारिश और बूंदाबांदी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। देश भर के कई राज्यों में मौसम ने पूरी तरह से करवट ली है। दिल्ली समेत कई इलाकों में एक दिन पहले बूंदाबांदी भी हुई थी। मौसम विभाग ने आज भी कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि हिमालयी क्षेत्र में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, तो वहीं कल से आकाश साफ रहेगा और तापमान बढ़ना शुरू होगा, लेकिन अगले हफ्ते फिर तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। आईएमडी के अनुसार बताएं तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में 8 मई से 12 मई के दौरान अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तटीय और सीमावर्ती इलाकों में 8 से 11 मई के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 10 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आज से दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक देखें तो आज तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में आने वाले 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, उप हिमालय, बंगाल, उत्तराखंड, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुद्दीचेरी, कराईकला, उत्तरांतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। तो वहीं उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 7 से 10 मई के बीच दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप के अलग अलग स्थानों में तूफान के साथ भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। तूफान का अंदाजा लगाते हुए मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में मौजूद लोगों को 7 मई से पहले यानी आज से पहले सुरक्षित स्थानों पर लौटने की चेतावनी दी थी, क्योंकि बता दें कि एक चक्रवात मोर्चा आने वाला है जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और इसके लिए पहले ही सरकारों ने तैयारी भी कर ली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।